नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जीत जायसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर इस्तेमाल करने वाले बिजली संचालक हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, क्योंकि डिजिटल सेवा पोर्टल में एक और नई सर्विस लाइव हुई है। इसमें आप लोगों को कैसे काम करना है और कैसे आप लोग 4% का कमीशन कमा सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे। ये पोर्टल है ifikobazaar.in। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अपने कॉमन सर्विस सेंटर पे ही यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं उन सभी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और आपको 4% का कमीशन भी दिया जाएगा। कैसे इसमें लॉगिन करना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे आपको इसकी आईडी पासवर्ड मिलेगी, इसके संबंधित पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। ऐसे यूजर्स जिन्होंने अभी तक टारगेट इज पॉसिबल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएँ। इसके अलावा दोस्तों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के संबंधित सभी सरकारी योजनाओं के संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग gazettesupdatehindi.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे द्वारा एक और नई वेबसाइट लॉन्च की गई है, bharatyojana.org। आप लोग इस पर भी आके सरकारी योजनाओं के संबंधित जानकारी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, मैंने एक आर्टिकल लिखा है, PM मोदी लॉन्च मत्स्य संपदा योजना ई गोपाला मोबाइल ऐप, तो इसके संबंधित आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हिंदी में मिल जाएगी कि क्या है मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाला ऐप कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसका संबंधित भी जानकारी आपको bharatyojana.org की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं लोग अपने टॉपिक की तरफ कि कैसे आप लोग ifikobazaar.in की वेबसाइट से प्रोडक्ट को अपने कॉमन सर्विस सेंटर पे मंगाकर सेल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, उस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए। आपके भी पास ऐसे कॉल आए होंगे जितने भी सीएससी वेली हैं, अगर नहीं कॉल आए हैं तो आप लोग वेट कीजिए, आपके भी पास ये कॉल आने शुरू हो जाएंगे। नमस्कार, बधाई हो, आपको ifikobazaar के एजेंट के रूप में पंजीकृत कर दिया गया है। अब आप अपने स्टोर पर आने वाले किसानों के लिए कृषि निवेश जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि मशीनरी का ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं। इस तरह के प्रत्येक ऑनलाइन ऑर्डर के कुल राशि पर आपको 4% का कमीशन दिया जाएगा। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप अपने इसी मोबाइल नंबर से ifikobazaar.in पर लॉगिन करें। तो आप लोगों को सिंपल सा तरीका है, आप लोगों को लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर आपने CSC में दिया है, जो भी मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे आप लोग सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, उस वन टाइम पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करके आप लोगों को वेरीफाई OTP पे क्लिक कर लेना है। तो ये उन्हीं के पास, यहाँ पे ifikobazaar.in की वेबसाइट पे उन्हीं VLE का नंबर ऐड है इनके डेटाबेस में, जो रेगुलर बेस पे काम कर रहे हैं CSC के साथ। तो चलिए, मैं यहाँ पे OTP की मदद से लॉगिन करता हूँ और आगे के स्टेप में क्या क्या भरना है ये भी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ आप लोग देखेंगे, जैसे मैं मोबाइल नंबर टाइप करके सेंड OTP पे क्लिक किया हूँ, ये मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड आ गया। वन टाइम पासवर्ड टाइप करने के बाद आप लोगों को वेरीफाई OTP पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप लोग वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ बेसिक डिटेल देनी होगी, जैसे कि फर्स्ट नाम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी टाइप करके आपको सबमिट करना होगा। चलिए, मैं यहाँ पे ये डिटेल भर के सबमिट कर देता हूँ और आगे की प्रक्रिया आपको बता देता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। यहाँ देखेंगे, मैंने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और मैं अपना ईमेल आईडी टाइप करके सबमिट पे बटन पर प्रेस करेंगे। तो लास्ट नेम में आपको किसी भी तरह का स्पेस नहीं देना है, अन्यथा ये सबमिट नहीं हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट नेम में ही जो नाम देना हो दे दीजिए, लास्ट नेम जो भी टाइप करेंगे उसमें किसी भी तरह का स्टेप नहीं देना है। यहाँ पे जैसे ही देखेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल आपकी शो हो जाएगी, यहाँ पे चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एड्रेस भर देना है, माई एड्रेस की डिटेल दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एजेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे खुल के चली आएगी। एजेंट डिटेल में आपका एजेंट कोड आ जाएगा और आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, पूरी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। एजेंसी का भी डिटेल आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली आप दिल्ली से माल मंगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कैसे बाय करना है, फिर से आपको होम पेज पे आ जाना होगा। जैसे ही आप लोग होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपको लेना हो, जैसे कि मान लीजिए मुझे ये 200 का प्रोडक्ट लेना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, ये प्रोडक्ट के संबंधित आपको जहाँ पे जानकारी देनी होगी, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड टाइप करना होगा। अगर आपके पिन कोड में ये उपलब्ध होगा तो यहाँ पे 7 या 10 दिनों के अंदर ये प्रोडक्ट आपके सेंटर पे चला आएगा। इसके अलावा इस
पोर्टल की मदद से किसी भी तरह के खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले खाद, मशीनरी, कोई भी वस्तु आप मंगा सकते हैं। कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है इस प्रोडक्ट को बेचने से। ये डायरेक्टली आपके कॉमन सर्विस सेंटर पे उपलब्ध हो जाएगा और आप लोग वहीं से इसे सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपना पिन कोड टाइप कर देंगे और चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्टली बाय नाउ पे क्लिक करें या फिर अपने कार्ड में इसे ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया पोर्टल है, यहाँ पे किसी भी तरह का आप सामान मंगाकर सेल कर सकते हैं और 4% का लाभ पा सकते हैं। अगर आपको नहीं भरोसा हो तो एक काम कीजिए, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट है मेन जो अधिकतर बिकने वाले हैं उन सभी प्रोडक्ट का प्राइस आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और अपने लोकल मार्केट में पता कीजिए कि कितने प्राइस में वहाँ पे बिक रहे हैं और कितने कम दामों तक वे दे सकते हैं। अगर आपको कुछ रुपए का अंतर दिखे, लगे कि हाँ बेनिफिट है, तो ही आप लोग इस प्रोडक्ट को मंगा के मार्केट में बेचिए। या फिर ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में नहीं मिलते हैं, उनकी मांग होती है, उन प्रोडक्ट को आप मंगा के सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।